गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पर्पल हॉल, और ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि पर्पल पर चल रहा है आई हार्ट ब्यूटी सेल। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगी। सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं पर्सनली आप लोगों के साथ कुछ रिकमेंडेशंस शेयर करने जा रही हूँ, कुछ मेकअप रिकमेंडेशंस जो आप इस सेल में पर्पल से परचेज कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ नेल पॉलिशेस। ये बेला वॉस्ते का एक नेल पॉलिश है जो ग्लिटरी नेल पॉलिश है, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस नेल पॉलिश इज़। ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अगर आप नेल आर्ट वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के नेल पॉलिशेस ट्राई कर सकते हैं। इसमें और भी शेड्स थे, और भी कलर के ग्लिटर्स अवेलेबल है, और बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट फॉर 49 रुपीज़ में। और भी नेल पॉलिश ऑप्शंस है जो NYBay का है। NYBay के ये जो नेल पॉलिशेस है ये पिंकिश टोन में है मेरे पास, लेकिन और भी कई सारे शेड्स अवेलेबल है आजकल। तो उसमें ना मैट शेड्स भी अवेलेबल है, पेस्टल शेड्स भी अवेलेबल है। मैंने अपने विश लिस्ट पर ऐड भी कर रखा है कुछ पेस्टल शेड्स जो मैं इस सेल में परचेस करूँगी फ्रॉम पर्पल, लेकिन मैं इस वीडियो को ना सेल से पहले शूट कर रही हूँ इसीलिए मैं परचेस नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे लगा सेल में और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। सो अगर आप इस सेल में परचेस कर रहे हैं तो NYBay के ये जो नेल पॉलिशेस है ना, इसमें जो पेस्टल शेड्स हैं उन्हें ट्राई कर सकते हैं। खूबसूरत पेरीविंकल ब्लू कलर में और भी कई सारे शेड्स हैं। तो मेरे पास ये वाला जो नेल पॉलिश है ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि ये एकदम बेबी पिंक कलर में है। मेरे नेल्स पर ना ये कलर काफ़ी सूट करता है, सो ये कलर भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने कुछ ब्लशेस और कुछ हाइलाइटर्स को परचेस किया है पर्पल से। तो ये वाला जो हाइलाइटर है ये NYBay शाइन एंड शिमर हाइलाइटर है। तो इसमें मेरे पास दो शेड है, एक ब्रॉन्ज है और एक गोल्डन शेड है। ये जो गोल्डन शेड है ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसके जो शिमर पार्टिकल्स हैं ना वो एकदम माइल्ड है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई चंकी ग्लिटर अप्लाई किया है, कुछ आर्टिफिशियल ग्लिटर अप्लाई किया है। ब्यूटिफुली ये आपके स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है। सो आई थिंक आप इन हाइलाइटर्स को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 275 रुपीज़, बट आपको डेफिनेटली इस डिस्काउंटेड प्राइस में से मिल जाएगी। ये जो ब्रॉन्ज शेड है ना, ये आप एज एन आई शेडो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी डस्की स्किन टोन है देन आप इसे हाइलाइटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है या फिर येल्लो अंडरटोन में स्किन टोन है तो आप ये गोल्डन शेड को ट्राई कर सकते हैं एज अ हाइलाइटर। NYBay के ये जो स्काईलाइन ब्लशेस है ना, स्काईलाइन सनसेट ब्लश, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, इसीलिए मैंने ये वाला शेड, ये रेडिश काइंड ऑफ एक शेड है, इस शेड को ट्राई किया है। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड शेड है ये, एंड ब्यूटीफुल है शेड। लेकिन ये जो शेड है ना ये ऑल स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये एकदम रेडिश काइंड ऑफ एक शेड है। इसमें कई सारे और ब्यूटीफुल शेड्स है, जैसे कोरल शेड है, फिर एकदम लाइट बर्गंडी टाइप्स शेड है, तो वो शेड्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत दिखेगा वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर, और अगर आप डस्की स्किन टोन के हैं तो आप इस तरीके के डार्कर टोन में शेड्स ट्राई कर सकते हैं। उसे हल्का सा अप्लाई कीजिए अपनी चीक्स पर, दैट विल बी मोर देन इनफ क्योंकि ये हाईली पिगमेंटेड है। और मैंने अभी इसी ब्लश को अप्लाई किया है, सो यू कैन सी मैं एकदम हल्के हाथ से इसे अप्लाई करती हूँ ताकि थोड़ा सा ही प्रोडक्ट अप्लाई हो पाए। नेक्स्ट, मैंने स्विस ब्यूटी का ये वाला आई शेडो पैलेट इस बार लिया है पर्पल से, और ये आई शेडो पैलेट बहुत अफोर्डेबल है। मैंने ये वाला शेड लिया है, ये है स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट 05 शेड नंबर है। इसमें थोड़ा सा स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए शेड्स है, डार्क शेड्स है, ब्लैक कलर है इसमें क्योंकि मैं अपने आईब्रोज को फिलिंग करती हूँ ब्लैक कलर से। आई शेडो इस्तेमाल करती हूँ मैं, पाउडर आई शेडो इस्तेमाल करती हूँ इसी वजह से, और ये ट्रैवलिंग के वक्त ईजी रहता है। बट आई गेस कि इसमें अगर मिरर होता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि स्विस ब्यूटी इज़ वेरी गुड ब्रांड आई मस्ट से, और आई शेडो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, एकदम क्रीमी है, बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है। इस प्राइस में इस तरीके की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है आई वुड से। बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि छोटा सा अगर मिरर होता तो और अच्छा रहता, बट नेवरदलेस इट्स अ वेरी गुड परचेज।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक्स. एनवाइबे लिपस्टिक्स मेरे फेवरेट है और ये जो बुलेट लिपस्टिक्स है ये मुझे पर्सनली बहुत कंफर्टेबल लगता है. मुझे ना लिक्विड लिपस्टिक से ज़्यादा कंफर्टेबल बुलेट लिपस्टिक्स लगता है ना. आई ऑलवेज प्रेफर बुलेट लिपस्टिक्स. तो इसमें मुझे मेरे पास कई सारे शेड्स है. जो मेरा पर्सनल फेवरेट शेड है वो शेड है शेड नंबर 15. और ये वाला जो शेड है ना ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल शेड. इसके जो स्वॉच है वो मैं दिखा देती हूँ. यू कैन सी एकदम मॉव कलर में है और काफ़ी खूबसूरत इसका कलर है. एवरीडे के लिए अच्छा है लेकिन ये अगर आपके मीडियम टू डस्की स्किन टोन है तो ये आपको वॉश ऑफ कर लेगा. फेयर स्किन टोन के लिए तो ये एकदम परफेक्ट शेड रहेगा और फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए ये इजीली आप वेयर कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस. एक खूबसूरत सा शेड मुझे ऐसा लगता है. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर है तो देन आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा. नेक्स्ट कुछ शेड्स हैं मेरे पास है, जैसे कि फैब्यूलस फियन मैन 9 और ये एकदम मरून काइंड ऑफ शेड है जो मैं जनरली न्यूज़ रीडिंग के वक्त लगाना पसंद करती हूँ. आप लोग देख सकते हैं ये शेड्स ना एकदम मैट है, लगाने के बाद बिल्कुल मैट हो जाता है लिप्स पर और काफ़ी कंफर्टेबल है. तो ये मरून शेड आप देख सकते हैं एकदम फेस्टिव काइंड ऑफ एक इंडियन शेड है. तो इस तरीके के मरून डार्क शेड्स आपके पास होना ज़रूरी है. तो मेरे पास एक है एंड दिस इज़ सो अफोर्डेबल और डिस्काउंटेड प्राइस में भी आपको सेल के टाइम मिल जाती है. सो आई थिंक यू कैन हैव वन. नेक्स्ट मेरे पास दो पिंक काइंड ऑफ शेड्स है, जिसमें से ये वाला जो शेड है ना किनकी क्रिस्टन 4, ये शेड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. मैं इसे एज अ ब्लश इस्तेमाल करती हूँ कभी कभार बट दिस इज़ सो मैट कि वो ब्लेंड होने में दिक्कत होती है. इसमें ना थोड़ा थोड़ा शिमरी पार्टिकल्स है तो इसीलिए मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगता. अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर है देन आपके लिए ये परफेक्ट रहेगा बट मुझे पर्सनली इस तरीके के शिमर पार्टिकल्स लिपस्टिक्स में अच्छा नहीं लगता. बट ये मैट है, मैट फिनिश देता है बट इसमें हल्का सा शिमर है. नेक्स्ट ये जो शेड है शिक कमेला 8, ये मेरा पर्सनल फेवरेट शेड है एंड यू कैन सी मैंने कितना हद तक इसे इस्तेमाल कर लिया है. आप इसे डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं. काफ़ी खूबसूरत शेड है. फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए ये शेड परफेक्ट रहेगा. आप कोई लिप बाम के बजाय आप इस शेड को हल्का सा अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे ना तो काफ़ी खूबसूरत एंड नेचुरल दिखता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज हॉल वीडियो. आई होप इस हॉल वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है. प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. आज का वीडियो यहां तक ही था. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आज के लिए तहीं स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी. बाय.